मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्षेत्रीय निवेश कार्यक्रम कॉन्क्लेव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सिडकुल क्षेत्र में नई उद्योग नीति के तहत इकाइयों की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। आज कई करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कई कंपनियों के साथ MOU साइन हुए हैं। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयास सार्थक साबित होंगे। इसके साथ साथ यहाँ का माहौल सबसे बेहतर है, उद्यमियों को हरिद्वार के सिडकुल का माहौल रास आ रहा है। वहीं दवा कंपनी के डायरेक्टर राजीव बंसल ने सरकार के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि CM धामी की सरकार उद्यमियों के लिए काफ़ी कुछ प्रयास कर रही है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। जो ये इंडस्ट्रीज का जो एक ये महाकुंभ जैसे मैं कहूँगा इसको, हरिद्वार का महाकुंभ, इसमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ पर हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया खासकर पूरे उत्तराखंड में सबसे बेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है पूरे देश का। और उस इंडस्ट्रियल एरिया में ऑलरेडी हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। यहाँ का जो एक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए आपको जितने भी आपको सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, आपको एक अच्छा माहौल वो सब यहाँ पर अवेलेबल है, पावर अवेलेबल है, आपको स्किल मैन पावर अवेलेबल है, और सबसे अच्छा पूरे सरकार का साथ आपके साथ है, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा काम यहाँ कर सकते हैं और इसे हम शायद कर भी पा रहे हैं। हमने आज लगभग 1,100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग करेंगे। इंडस्ट्रीज़ में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ हम लोग होटल इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, इसके साथ साथ टूरिस्ट इंडस्ट्रीज़ एंड लोगों को जो इंडस्ट्रीज के साथ एक प्रॉब्लम आती है वेयर हाउसिंग की, उसको भी दूर करने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट हमारा वेयर हाउसिंग किया है। अभी तक हमारे देश विदेश में सब जगह मिलाकर 2 लाख करोड़ के निवेशकों पर करार हो चुके हैं, और हरिद्वार में भी आज बड़ी संख्या में लोगों ने हरिद्वार देहरादून जो पहले से हमारे उद्योग स्थापित हैं उन्होंने भी अपने विस्तार के लिए MOU साइन किए हैं। और 8 और 9 दिसंबर तक जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड है, उसमें बड़ी संख्या में लोग अभी और आने वाले हैं। हम सभी का आकलन भी कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य की जो GSTP है वो बड़े, उसको लेकर हमने ये काम शुरू किया था। इसके पीछे हमारे उद्योग धंधे जहाँ बढ़ेंगे, हमारे राज्य के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमारा पलायन कम होगा, उस दृष्टि से जो राज्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होंगे हमने अपने उसमें उनको प्राथमिकता देने का तय किया है, और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये काम हमारा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और मुख्य कार्यक्रम होते होते हमें लगता है और भी बहुत सारे जो हमको MOU हमको प्रस्तावित हुए हैं उनका भी आकलन करके उनको भी धरातल पर उतारने के लिए काम करेंगे।